हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजीव सिंह। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूज ऑफ कैन से पहले मैंने इसमें एक्जिलरी वर्ब में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अर्थात बनावट की दृष्टि से एक्जिलरी वर्ब को तीन पार्ट मतलब तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बाबा? वो तीन भागों में, प्राइमरी एक्जिलरी, प्राथमिक सहायक क्रिया, मोड ऑफ एक्जिलरी, क्रियार्थक क्रिया और मैरिजिनल। ठीक है, मैरिजिनल। प्राइमरी में डू डज डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव आता है। मॉडल में कैन कुड मे माइट शैल शुड वुड आता है। जबकि मैरिजिनल में अर्ध या सीमांत सहायक क्रिया में यूज टू, नीड और डेयर आता है। ठीक है, और एक बात और जरूर कहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिए। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आप जैसे ही हम अपलोड करेंगे वीडियो, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, अपलोड होगा दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखिए, यूज ऑफ कैन। कैन में प्लस इसलिए दे रहा है कि वन टू लिखवा दिए थे। रूल फॉर देखिए, रूल थर्ड, इट डिनोट्स फॉर प्रस्ताव, फॉर ऑफर, प्रस्ताव के लिए। इट डिनोट्स फॉर ऑफर, प्रस्ताव के लिए सूचित करता है, मतलब फॉर ऑफर, प्रस्ताव के लिए। जैसे मैं कैन आई लिफ्ट योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूं? कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूं? फॉर मतलब के लिए। तो इट डिनोट सूचित करता है, दर्शाता है, बतलाता है, फॉर ऑफर, प्रस्ताव के लिए। Can I lift your bag? Can I lend you some money? Can I lift your bag? क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ? Can I make tea for you? क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ? किसी वस्तु को प्रस्ताव देने या लेने अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। Use one, इसमें कैन में यूज रूल नंबर वन, रूल नंबर टू एज रूल नंबर थ्री बता रहा है। प्रीवियस बैग में दो बताए थे, इसमें रूल नंबर फोर। It is used for theoretical possibility, सैद्धांतिक संभावना। क्या समझना, जैसे मैं इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज यूज फॉर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब सैद्धांतिक संभावना के अर्थ में इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। ठीक है, बोलिए, दिक्कत है? दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। एवरीवन can make mistake, everyone मतलब प्रत्येक कोई या हर एक कोई mistake गलती कर सकता है ना? EL be dangerous, विद्युत कैन बी डेंजरस, डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। सैद्धांतिक संभावना के अर्थ में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। द न्यूज कैन बी ट्रू, न्यूज सत्य हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य है, यह सत्य नहीं हो सकता है। एवरी वन कैन मेक मिस्टेक्स, हर एक कोई या प्रत्येक कोई गलती कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत,
कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। और देखिए रूल नंबर फाइव, इट डिनोट्स हैबिट, आदत या नेचर, स्वभाव, यहां प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। इट डिनोट्स हैबिट, आदत और नेचर स्वभाव को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है कि क्या स्वभाव है, क्या है ना, को व्यक्त करता है। लिखिए इतना लिखिए, तब आगे उधर लिखवाएंगे। आगे कैन नॉट, कैन नॉट हार्म एनी वन। देखिए एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी कैन नॉट हार्म एनीवन, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्या है, आदत या नेचर, स्वभाव से ऐसा एक्सप्रेस व्यक्त करता है ना, क्या इट इन सूचित करता है, हैबिट, आदत और नेचर, स्वभाव। ए होनेस्ट मैन, एन होनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, मतलब एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार आदमी हार्म एनीवन मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ए डिफुल पर्सन, एक फुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक बेईमान आदमी डिसीव अस, हमें धोखा दे सकता है। एक फुल पर्सन मतलब बेईमान, बेईमान आदमी कैन डिसीव अस, हमें धोखा दे सकता है। अब देखिए यूज ऑफ कैन खत्म हुआ, यूज ऑफ कैन के बदले क्या होता है, यूज ऑफ कूड, कैन का पास्ट क्या होता है बाबू, कूड, कैन का पास्ट क्या होता है, कूड। रूल नंबर वन देखिए, इट डिनोट्स, इट डिनोट्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी, पावर, पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी, एबिलिटी ए बी आई एल आई टी, एबिलिटी मतलब योग्यता, एंड और कैपेसिटी क्षमता या समर्थ, और पास्ट टाइम प्रेजेंट ना, प्रेजेंट में कैन, और जैसे ही कैन के पास्ट पढ़ने लगे तो कैन के पास्ट क्या होता है, कूड, तो पास्ट टाइम, ये बीते हुए समय, या बीते हुए समय में शक्ति, योग्यता और क्षमता या समर्थ को दर्शाता है या बतलाता है। जैसे आई कूड रन 10 miles, मैं 10 miles दौड़ा करता था, when I was young, कब, जब मैं जवान था, कब बुढ़ा हो गया हूँ, अभी भी बाबू जवान हूँ, कहने का मतलब कि I could run 10 miles, according to rule के अनुसार, present में रहा तो कैन, इधर present बहुत गलत है, लेकिन इधर जब past में तो इधर past में, यहाँ तक रहा तो कैन भी हो सकता था, लेकिन जब एक तरफ past में, तो इधर भी past में, it denotes power, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता या समर्थ। आई कुड रन 10 miles, मैं 10 miles दौड़ा कर रहा था, 10 miles मतलब 10 miles दौड़ा कर रहा था, when I was young, जब मैं जवान था, युवा था, लिख रहा है, लिखिए आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, when I was स्ट्रॉन्ग। देखिए जब एक तरफ पास्ट में तो इधर पास्ट में, इधर प्रेजेंट में तो इधर प्रेजेंट में, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, व्हेन आई वाज स्ट्रॉन्ग, व्हेन आई वाज स्ट्रॉन्ग, जब मैं मजबूत था। तो बाबू जब इधर पास्ट में हो गया तो कभी भी इधर कहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ पास्ट एक्सप्रेशन तो इधर भी पास्ट व्यक्त करेगा, बोलिए दिक्कत है। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, इट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट नरेशन, इंस्टीड ऑफ कैन। देखिए इट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन में, इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में, कैन के बदले क्या होगा, कूड, इन
प्रिसीड मतलब बदले में, कैन के बदले का मतलब होता है कूड। इट इज यूज फॉर प्रो कहता है इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन में इन स्पीड ऑफ कैन, कैन के बदले कूड। जैसे राम, राम सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाने के लिए परीक्षा में आएगा। नीचे वाला हम लोग दे रहे हैं राम सेड डेट, इनवर्ट का क्या होता है डेट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, राम कौन सा का हुआ ही, क्योंकि आप लोग नरेशन पढ़ लिए हैं। राम सेड इनवर्ट का डेट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, तो ही हुआ। जब इधर पास्ट में हो गया, नरेशन पढ़े है ना, जब एक पार्ट पास्ट में तो इधर ही हुआ पास्ट में, इधर प्रेजेंट में तो इधर ही प्रेजेंट में। ठीक है, इधर पास्ट में तो राम सेड डेट आई है, इधर का हुआ ही, और कैन का पास्ट का हुआ कूड, कूड सॉल्व क्या होगा डेट प्रॉब्लम, पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम। ठीक है, भर लीजिएगा यहां पर और देखिए, सीता सेड आई कैन किल ए टाइगर। देखिए देखते रहिएगा, सीता सेड डेट आई है तो सीता का अनुसार सी, और कैन देखिए जब इधर पास्ट में होगा कैन का पास्ट क्या होगा कूड किल ए टाइगर हुआ बदले में, इन स्टीड ऑफ कैन, कैन के बदले का हुआ कूड। जब इधर पास्ट में इधर भी पास्ट में, देखिए सीता से डेट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सीता का सी हो गया। जब इधर पास्ट में तो कैन का पास्ट क्या हुआ कूड, क्योंकि आप रूल के अनुसार इट इज यूज फॉर प्रोगेता है इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन में इन स्टीड ऑफ बदले में, कैन के बदले क्या होगा कूड, कैन के बदले कूड, कैन के बदले कूड। लिखिए लिखिए तो कहीं भी दिक्कत होगा बोलिएगा बाबू। देखिए रूल थर्ड, रूल ज्यादा हम क्या पढ़ाए छोड़ दे रहे हैं यार, रूल थर्ड अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन अगले दिन पढ़ाने से पहले एक कुछ कमेंट बॉक्स में आया कि सर एक छोड़ दिया है। देखिए बाबू आप लोगों को पहले बता चुके हैं, आज बता रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच मैंने बैच में पढ़ाया, टेस्ट भी लिया। ठीक है, अलंकार एक चैप्टर ग्रामर में, सेकंड पढ़ाया मैंने एंटोनिम्स मतलब विलोम उल्टा होता है अपोजिट, थर्ड पढ़ाया नरेशन, सबको इजी इजी पढ़ता है, हार्ड हार्ड पढ़ाए हैं नरेशन। नरेशन के बाद एक और चैप्टर छोटा सा पढ़ाया था रिमूव टू, तो रिमूव टू में पढ़ाए थे, उसके बाद होली का छुट्टी हो गया तो उस पीरियड में छूट गया, इसमें पढ़ाए हैं दो तीन रूल, तरफ स्पीच एंटोनिम्स उल्टा नरेशन कथन, ये तीन चार पढ़ाए थे, और रिमूव टू जो छूटा है जिनका वो पूरा करवा देंगे बैच जब खुलेगा। तो ये ज्वेलरी भर में मॉडल जो पढ़ा रहे हैं, मॉडल मॉडल एक्जोरी, जिसका आनंद लीजिए आप लोग, स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ाया जा रहा है आप घर पर पढ़िए निडर होके, और जहां भी नहीं समझ में आएगा पूछिए, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अधिक से अधिक हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इतना जरूर लास्ट में कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, तभी आप, जब भी आप सब्सक्राइब कर नहीं करते हैं तो दिक्कत होगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो जैसा ही हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है बाबू, ऑल स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ थैंक्स।